काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने समर्पण निधि को लेकर वर्तमान की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। विधायक कुणाल चौधरी ने बताया, भाजपा सरकार को जनता ने भी नकार दिया है। समर्पण निधि के नाम पर 2018 में भाजपा को नकारा था, अभी समर्पण निधि की रोज तारीख बता रहे हैं। और विधायक चौधरी ने आरोप लगाया है, अब जो तारीख बताई है लूट के पैसे को कैसे समायोजन करेंगे, क्योंकि यह जो झूठ और लूट की सरकार है जो जनता की गाड़ी कमाई लूटने का काम कर रही है, अब जनता इसका हिसाब मांग रही है। क्या हुआ काले धन का, क्या हुआ अच्छे दिन का, क्या हुआ गैस की टंकी का और क्या हुआ डीजल पेट्रोल के दामों का, जनता इनसे अब हिसाब मांग रही है। वो समर्पण में भी नकार दिया, 2018 में बीजेपी को नकारा था, अभी समर्पण निधि के रोज तारीखे बताए जा रहे हैं और उसके अंदर भी जनता इन्हें नकार चुकी है। और अब मुझे लगता है जो तारीख बढ़ाई है वो लूट के पैसे को कैसे इसमें समायोजित करेंगे, क्योंकि जो झूठ और लूट की सरकार चल रही है, जनता की गाड़ी कमाई जो लूट है उसको अंदर डाल के कहीं ना कहीं समर्पण निधि के नाम से जनता की गाड़ी कमाई को लूटने के बाद कहीं ना कहीं उसको बीजेपी को देने का काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि जनता इनके साथ है, जनता इनसे हिसाब मांग रही है। क्या हुआ अच्छे दिन का, क्या हुआ काले धन का, क्या हुआ गैस की टंकी कम करने का, क्या हुआ रोजगार का, क्या हुआ बेरोजगारी का, क्या मतलब देश के अंदर और देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम का, जनता इनसे सवाल। शाजापुर के काला पीपल से दिलीप महेश्वरी की रिपोर्ट।